हेलो दोस्तों, कायरा प्रोग्रामिंग चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शेयर परपेंसेज को पढ़ा था। इस वीडियो को चेकआउट जरूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि वो वीडियो बहुत ही यूजफुल वीडियो है। क्योंकि शेयर परपेंसेज का यूज अलग अलग पर्पज के लिए किया जाता है, तो जब हम अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वहाँ भी अलग अलग पर्पज के लिए शेयर परपेंसेज का यूज करेंगे। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप जरूर देख लीजिएगा। आज के वीडियो में हम एप्लीकेशन का आइकन लगाना सीखेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा और नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम अपने जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं उसी में आ गए हैं, कायरा 07 में। तो सबसे पहले अपने मोबाइल स्क्रीन में ले जाके मैं इसका आइकन दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों, हमारा आइकन बाय डिफॉल्ट ऐसा है, तो इसको हम चेंज करेंगे। आइकन से ही अपनी एप्लीकेशन की पहचान होती है। तो चलता हूँ वापस अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में। मेरे डेस्कटॉप पे इमेज पड़ी है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, फिर अपने ट्रैवल फोल्डर में पेस्ट कर देता हूँ इसको। यहाँ से आप इमेज का नेम एडिट भी करना चाहो तो कर सकते हो, मैं ये रहने देता हूँ। तो ये मेरी इमेज यहाँ आ गई है, यहाँ इसको स्पेस नहीं चाहिए इसलिए मैं इसे रिफैक्टर कर लेता हूँ दोबारा। तो सबसे पहले हम अपने यहाँ मेन मैप पे जाते हैं, यहाँ पे अपने एप्लीकेशन का आइकन होता है, यहाँ पे स्क्वायर में है आइकन, आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे राउंड में आइकन है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। तो दोस्तों, हम इनको चेंज करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मेन मैप में राइट क्लिक करते हैं, न्यू से इमेज असेट्स में जाते हैं। यहाँ पे हमें सबसे पहले इस पर क्लिक करना है, यहाँ से हम अपनी फाइल का लोकेशन को चूज करेंगे। तो सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा खुल रहा है तो सबको लॉन्च कर देते हैं, फिर यहाँ से अगेन ओपन करते हैं, फिर इसको फिर मेरे को यूजर फोल्डर में जाता हूँ मैं। यहाँ पे अपना होगा एंड्रॉयड प्रोजेक्ट, इस फोल्डर में जाना है, यहाँ अपना प्रोजेक्ट बनाया हुआ है कायरा 07, इसमें जाना है। यहाँ से हमें ऐप में जाना है, उसके बाद असासी में मेन और रिसोर्स, यहाँ पे अपना ड्रावल फोल्डर आ गया है, तो इसमें अपनी इमेज ये वाली है, तो इसको चूज कर लेते हैं और ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो देखो दोस्तों, अपनी इमेज यहाँ से हो गई है, इसकी हाइट को हम घटा बढ़ा सकते हैं यहाँ से। तो मैं इसको कम ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि ये पिक्स आ रही है इसलिए। तो दोस्तों, इसका बैकग्राउंड में अगर कुछ कलर भी लगा देते हैं, मैं यहाँ पे वाइट कर देता हूँ इसको बैकग्राउंड को। इसके बाद ऑप्शन इसको कुछ और को कुछ भी नहीं छेड़ना है हमने को। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, फिर फिनिश कर देना है। तो दोस्तों, हमारी इमेज चेंज हो गई है, मैं आपको बताता हूँ अगेन इन मैप में जाकर। ये देखिए दोस्तों, अपनी इमेज चेंज हो गई है, आपको अपने मोबाइल स्क्रीन में भी ले जाकर बता देता हूँ कि इसका आइकन चेंज हो गया है। तो मैं प्रोजेक्ट को बिल्ड कर लेता हूँ, फिर चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। अगेन दोस्तों, मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर आ गया हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने अपने ऐप का आइकन चेंज कर दिया है। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम बटन की शेप बनाना सीखेंगे, बटन का कुछ डिज़ाइन बनाएंगे। तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा। जय हिंद।